उत्तराखंड के सभी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सीपी भैसूड़ा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के अधीन बेस हॉस्पिटल में एक मनोचिकित्सक की नियुक्ति की गई है, जिससे कि बेस हॉस्पिटल में अब मनोरोगियों का भी इलाज हो सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नशे की लत के चलते लोगों में, खासतौर पर युवाओं में मानसिक बीमारी आम हो चुकी है। अगर ऐसे लोग नियमित चिकित्सकों से अपना उपचार कराएं तो ठीक हो सकते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में बेस हॉस्पिटल में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की तैयारियां भी चल रही है, जिसके बाद मनोरोगियों को हॉस्पिटल में भर्ती कर उनकी काउंसिलिंग की जाएगी। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। और रेगुलर के भी हमारे इंटरव्यू हुए थे, उसमें से 60 फैकल्टी थी, तो उसमें से 13 लोगों ने जो है हमारे ज्वाइन कर लिया था। तो इस तरह से जो भी कमी है वो धीरे धीरे जो है हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी सुविधाएं धीरे धीरे जो है हॉस्पिटल है, कॉलेज है, तो सुविधाएँ बढ़ रही हैं। तो हमारे यहाँ पर पहले एक साइकेट्रिस्ट थे, अभी कल ही जो है एक साइकेट्रिस्ट और हैं जो कि PMCS से जो है उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे जो साइकेट्री के जो पेशेंट हैं तो उनका जो है यहाँ पे इलाज